अगर हम छिपकर यहाँ से पलायन कर गए तो ये तो हमारी सबसे बड़ी पराजय होगी। हमें अपनी अंतिम सांस तक उसका सामना करना है। आप ठीक कह रही हैं छोटी रानी बहू, आप परेशान ना हो, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सब आपके साथ हैं। आवश्यकता पड़ने पर शत्रानियों ने भी अस्त्र उठाए हैं, रात समय आने पर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों चले जाएं। पर मंदाकिनी, शस्त्र उठाने के बावजूद हम पराजित हो गए तो क्या होगा सोचा है? पराजित होकर हम सब खिलजी के चंगुल में फंस जाएंगे, तब तो हमारी पराजय ही नहीं, पराजय के साथ साथ जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं हमारा वो मान सम्मान भी जाता रहेगा, क्योंकि खिलजी के हाथों लगने का मतलब है नरक। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे लिए चित्तौड़ की नारियां खिलजी के अंतपुर का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ना है पद्मा बहू। इससे पहले कि खिलजी अपनी कुत्सित भावनाओं के साथ हमारी छाया को भी छुए, हम मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। हमारा खिलजी के समक्ष समर्पण करने से अच्छा है कि हम अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दें। जब तक खिलजी हमारी चिता तक पहुँचे, उसके भाग्य में हमारी राख भी ना हो, और यही खिलजी की सबसे बड़ी पराजय होगी। पद्मिनी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो अपने हाथों अपने प्राणों की बलि देना है। आज तक ना तो किसी क्षत्रिय ने किया है और ना ही हमने किसी क्षत्रिय को करते सुना है। हम जानते हैं कि नहीं किया होगा, पर खिलजी के हाथों अपना आन और मान बचाने का बस यही एकमात्र रास्ता है कि हम अग्निदेव की गोद में शरण ले लें। पर पद्मा बहू, इससे खिलजी की पराजय कैसे होगी? अलाउद्दीन को ना तो क्षत्रियों से कोई बैर है और ना ही चित्तौड़ से कोई मोह। उसे अगर किसी की चाह है तो वो हमारी। वो चित्तौड़ केवल हमारे लिए आया था, और यदि हमें उसके हाथ नहीं आते हैं तो कल आने वाले इतिहास को अलाउद्दीन के ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा कि पूर्ण हिंदुस्तान को जीतने वाला अलाउद्दीन एक स्त्री को ना जीत सका, और यही उसकी सबसे बड़ी पराजय होगी। हम जानते हैं हम खिलजी के सामने तलवार भी उठा सकते हैं, पर इतनी विशाल सेना के समक्ष तलवार उठाने में कोई मतलब नहीं। पर इस तरह अग्नि में समाने से हमारी आत्मा कुंदन हो जाएगी, फिर ना तो किसी खिलजी का भय होगा और ना ही महाराज कुमार से मिलन की बाधा। पर रतन सिंह अभी जीवित है और उनके जीते जी। रानी माँ, अब इनके प्राण भी खिलजी के हाथों बस कुछ पलों के लिए ही सुरक्षित है। उसके बाद तो हमें अग्निदेव को गले लगाना ही था, तब तो किसी को आपत्ति ना होती, फिर अब क्यों? इसीलिए हम जो करना चाहते हैं हमें करने दीजिए। चित्तौड़ के द्वार पर आपका प्रथम चरण पड़ा था तो हमने आपसे कहा था कि भाभी माता समान होती है। आज हम उसी माता की रक्षा करने असमर्थ। इसने कहा कि तुम असमर्थ हो, एक बेटे का कर्तव्य तो तुम कब का पूरा कर चुके हो, अब तो माता से भी बड़ा कर्तव्य है अपनी मातृभूमि को बचाना।
तुम्हारा आशीर्वाद है। विजयी भव। इतिहास गवाह है कि हम क्षत्रियों ने जिस हृदय से अपने अतिथि का आदर सत्कार किया है, अगर अवसर आया तो उसको उसकी करनी का दंड भी दिया है। आज वही अवसर आया है जब चित्तौड़ का मान और हम क्षत्रियों की मर्यादा दांव पर लगी है। एक अफगानी ने हमारी पद्मिनी चित्तौड़ की बहू पर बुरी नजर डाली है, ये हम क्षत्रिय कभी सहन नहीं करेंगे। ये हम क्षत्रियों के लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात होगी अगर कोई भी आकर हमारी चित्तौड़ की बहु बेटियों को उठाकर ले जाए। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद शेष है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक दुश्मन को हमारी पद्मिनी या चित्तौड़ की बहु बेटी को छूना तो दूर, हमारी इस माटी को हाथ भी लगाए तो हम उसके हाथ काट कर फेंक देंगे। जिस सलाउद्दीन खिलजी ने हमारी पद्मिनी पर पूरी नजर डाली, हमने उसकी आंखें ना निकाली तो हम भी क्षत्रिय नहीं। आज वो समय आया है कि हमें हमारी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करना है। इस चित्तौड़ की आन मान और शान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। बोलो माँ काली की, बोलो बाबा भोलेनाथ की, माँ काली की, बाबा भोलेनाथ की, माँ काली की।